दोस्तों, हमने सेल्फी विथ फ्लैग अपलोड कर दिया है, जिसमें कि एक सर्टिफिकेट भी मिल रहा है। आप सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता वो कर सकते हैं। एक्चुअली में लिंक आ गई होगी आपके टेक्स्ट मैसेज के रूप में। दोस्तों, इस समय तो क्या 2-3 दिन से काफ़ी मौसम ख़राब चल रहा है हमारे यहाँ का, और काफ़ी ठंड सी हवाएं चल रही हैं, जिसमें ठंडी बहुत लग रही है फिलहाल। तो अभी तो कोई बाहर का कोई प्लान है नहीं। एक्चुअली पानी बहुत गिर रहा है, कंटिन्यू गिर रहा है 2-3 दिन से। मौसम भी खराब है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ, कुछ काम है मुझे, मार्केट जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर पानी निकला रहेगा तो ठीक है, अगर गिरता है तो फिर देखेंगे। हालांकि रेनकोट वगैरह मैंने डाल ली है, और बच्चा भी स्कूल से आ गया। एक्चुअली में डांस लिया हुआ था, तो अभी अभी तो जस्ट आया है, तो देखते हैं। दोस्तों, मैं चलता हूँ अभी फिलहाल। अभी तो पानी नहीं गिर रहा है, जिस वजह से थोड़ा सा देखते हैं। नहीं गिरेगा तो ठीक है, गिरेगा तो भी डाल लिया हूँ अपनी सुविधा के लिए, रेनकोट वगैरह डाल लिया हूँ उसमें। मौसम तो काफ़ी खूबसूरत हो रखा है। हमें लगता है ये विंध्य प्रदेश में ही यही प्रॉब्लम थी, बट ये है कि अभी हमको लगता है सेम हर जगह, हर सिटीज़ में है, तो अच्छा है फिलहाल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज इंडिपेंडेंट डे, स्वतंत्रता दिवस, काफ़ी प्यार से मनाए होंगे, मना रहे होंगे, हो चुका होगा सब जगह फिलहाल। जो मॉर्निंग टाइम होता है, उसी टाइम पे तो आदमी को करता हुआ आ रहा है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ख़त्म नहीं हुआ होगा, ख़त्म हो चुका है। तो मैंने सेल्फी विद फ्लैग अपलोड कर चुका हूँ। तो दोस्तों, आप लोग भी इस अमृत महोत्सव के एक हिस्सेदार या भागीदार बने। दोस्तों, हम लोग आए फूलमती मंदिर घूमने, देख सकते हैं आप लोग। आज हम लोग बहुत खुश हैं, इसलिए दर्शन करने आए हैं। आज वाकई में लगता है कि आज़ादी का दिन है, वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है आज, देख सकते हैं आप लोग। काफ़ी पुरानी मंदिर है, गणेश जी की मूर्ति है, और सेकंड वाले भगवान को तो मैं खुद ही नहीं पहचान पा रहा हूँ, बट ये है कि आज हम लोग काफ़ी खुश हैं, देख सकते हैं आप लोग। यह काफ़ी प्राचीन मंदिर है, रोड पे लगा हुआ। हम लोग घूमने आए हुए, देख सकते हैं आप लोग। हम लोग घूमने आए थे, एक्चुअली पानी गिर रहा है, बताया था ना कि हम लोग मार्केट जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है इस समय। मौसम भी बढ़िया है, घूमने लायक, एक नंबर का मौसम है। यहाँ नारियल तो है ही नहीं ना, नारियल की दुकान नहीं है ना, बंद है ना इस समय, ऐसे ही लोग आते हैं। दोस्तों, एक्चुअली में नारियल नहीं मिली है, तो हो गया, हम लोग दान पेटी में डाल दे रहे हैं। एक्चुअली में क्या है ना कि नारियल है नहीं, इस समय सीजन नहीं है, तो नारियल की दुकानें बंद हैं। हम लोग नारियल लाए नहीं थे, जिस वजह से हम लोग दान पेटी में ही डाल दिए हैं। तो आप देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी पुराना मंदिर है, आपको देख के भी लग रहा होगा, देख सकते हैं आप लोग। एक तो सबसे ज़्यादा खुशनुमा मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है आज भाई, मेरे खुशी का ठिकाना नहीं। तो एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों से मेरा खाने का मन था, तो सावन चल रहा था, जिस वजह से हमने खाया नहीं था आज, बट ये है कि ले जाऊँगा, तो मैं थोड़ा सा बच्चा भी खाएगा, तो आज मैं ले जाऊंगा। हालांकि थोड़ा सा इस समय डाइजेस्ट थोड़ा सा फिर ख़राब हो गया लगता है, वो रक्षाबंधन में मिठाइयाँ इतनी ज़्यादा आ गई थी कि 4 सिस्टर हैं जिसमें कि बहुत सारी मिठाइयाँ आ गई थी, तो हालांकि खाया ज़्यादा नहीं था, बट ये है कि थोड़ा सा डाइजेशन में प्रॉब्लम है। दूसरी बात, मौसम भी ख़राब चल रहा है, जिस वजह से आज मैं तो ले ही जाऊँगा। एक्चुअली मैं खुश हूँ आज, तो मुझे खाना बनता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। दोस्तों, काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी समय लगता है, और एक्चुअली में मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जैसे मेरा चैनल मोनेटाइजेशन होता है, तो जो दिव्यांग है या कि जो हैंडीकैप लोग होते हैं, उनके लिए मैं एक अलग से उनके लिए जो जो चीज़ें उनको चाहिए होगी, मतलब जिनके पास साइकिल नहीं है, जिनके पास जूते नहीं है, कपड़े नहीं हैं, उन चीज़ों के लिए मैं जिस दिन एबल हो जाऊँगा, उस दिन मेरा आप लोगों से वादा है, मैं कोई सेवी संस्था नहीं, मैं खुद के खर्चे से 50% उनके हिस्से में डाला करूँगा। जैसे जो ऐसे व्यक्ति हैं, मैं
उनको ढूंढ के उन लोगों तक तो की सारी सुविधाएं पहुंचाऊंगा, ये मेरा वादा आप लोगों से। तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो पूरा देखा करें, मेरी वीडियो कभी फालतू की नहीं रहती है, ना ओवर एडिटिंग रहती है, ना उस पर एक्स्ट्रा कुछ दिखाया होता है, मेरी सारी वीडियोज रियलिटी पर आधारित होती हैं। तो दोस्तों प्लीज़ मेरा यही है कि जैसे मेरा चैनल मोनेटाइज होता है, मैं गरीबों के लिए ज़रूर अपने इनकम का 50% खर्च करूँगा, मेरा वादा है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मेरा सबसे वादा है।